देश में आईपीएल का धमाल शुरू हो चुका है और जयपुर में पहला मैच 25 मार्च को एसएमएस स्टेडियम में रात 8 बजे से होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब के साथ होगा। और इस साल पंजाब की टीम किसी भी हाल में दूसरी टीम को कम आंकती हुई नजर नहीं आ रही है। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान और अश्विन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल प्रतियोगिता काफी टफ होने वाली है, क्योंकि सभी टीमों के पास मैच जिताऊ खिलाड़ी हैं। तो वहीं इस साल क्रिस गेल और केएल राहुल के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी। राजस्थान में होने वाले मैच को लेकर अश्विन ने कहा कि राजस्थान में राजस्थान को हराना काफी चुनौतीपूर्ण होगा, और इसी के साथ पिछले साल भी काफी नजदीकी मुकाबले में किंग्स 11 को हराना सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम की ओर से वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी जो कि पिछले साल दोहराई गई थी। तो पंजाब के साथ आज तक जुड़ रहा है यहां पर, यानी खेल की दुनिया। Most of the teams in the franchises are good to have most of the bases covered. If you look at the IPL, most teams that have a good top order and somebody who's actually in a red hot form of the top order tend to do really well. Rajasthan are a well-rounded side. They've got enough all-rounders. They've got a good foreign base. They've got an Indian base covered as well. It's all about how we come up on a particular day and find the other team short. So it's basically about trying to attack their best, probably our best, and that's how it's going to be. It's not like you can say they don't play spin well, they don't play fast bowling well. It doesn't work like that. It's a professional sport and people adapt, like I said. So there is no area of particular weakness, but. देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।